आज हम इस वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में जानेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री तथा वाराणसी से सांसद हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सदस्य हैं। जन्म 17 सितंबर 1950, आयु 69, वडंग, गुजरात, भारत। जन्म का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राष्ट्रीयता भारतीय। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन संगी जसोदाबेन चिमनलाल। शैक्षिकी संबद्धता दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय। धर्म हिंदू। हस्ताक्षर वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 वे गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। गुजरात भूकंप 2001। भुज में भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी वे सबसे ज्यादा फॉलोअर 4.5 करोड़ जनवरी 2019 वाले भारतीय नेता हैं। उन्हें नमो नाम से भी जाना जाता है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। निजी जीवन नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। मोदी का परिवार मोदघांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पूर्णतः शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडंग में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और की डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदा बेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी। जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है, उन दोनों की शादी जरूर हुई परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। शेष बाकी रह गई बातों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा ले ताकि अगली हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।